आपका? सबाना। सबाना नाम है आपका? आना। आना नाम है आपका? कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं आप? हो गए मुझे 10 साल। मुझे तो पता नहीं भैया, मैं तो अब आई हूँ 5-6-7 साल है मुझे आई। 6-7 साल से। हस्बैंड क्या काम करते हैं? कुछ भी ना करते हैं, वो तो यही कर रही हूँ मैं दुकानदारी बस। आप ही करते हैं ये? हाँ बस। आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते, सारा काम धंधे की बात होती है। काम धंधा होगा जब ही तो काम धंधा आदमी गुजारा करेगा। घर पे कोई काम नहीं करता? कोई काम नहीं करता है, कोई है ही नहीं। आप अकेले करते हैं? आप बुनते हैं घाट? घाट हम बुनते हैं। 5 लड़कियां, खर्चा कैसे भरूं? 5 लड़की आपकी? हाँ लड़की है मुझे 5, क्या करूँ, करना पड़ेगा मुझे तो खाने पीने का इंतजाम। अच्छा यहाँ पे आप खाना बनाते हैं? ये चूल्हा भी बनाया हुआ है आपने यहाँ पे? अच्छा यहीं पे बनाते हैं, खाते हैं, और ये छोटा सा इन्होंने घर भी बनाया हुआ है। अच्छा क्या लगता है, जो MCD की तरफ से एक्शन लिया गया है जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, क्या लगता है सही है ये? सही तो नहीं कहा दोस्तों, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। बुलडोजर ने पूरे देश में प्रदेश में हंगामा मचा के रख दिया है। देखिए अभी दिल्ली में चल रहा है बुलडोजर, जगह जगह पर चल रहा है। अभी देखिए जहांगीरपुरी में चला, उसके बाद अभी चलने की बारी आई है शाहीन बाग में, अभी फिर उसके बाद कई जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर बुलडोजर चल सकता है, यानी कि जो जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए वहाँ पर MCD की तरफ से बुलडोजर चलने के आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ पर इन्होंने झोपड़पट्टियाँ डाली हुई है, ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? सबाना। सबाना नाम है आपका? अच्छा क्या लगता है, जो MCD की तरफ से एक्शन लिया गया है जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, क्या लगता है सही है ये? सही तो नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। क्यों लगता है आपको कि सही नहीं है? अब ये तो हम नहीं जानते इस बात को। देखिए जहाँ पर भी सरकारी जगह है और वहाँ पर घर बनाए हुए हैं लोगों ने, रह रहे हैं या दुकान बनाई हुई है, तो वहाँ पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, क्या लगता है कि सही हो रहा है ये? सही नहीं हो रहा है। सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? अब ये तो मैं नहीं जानती। देखिए आपको लगता है कि सही नहीं है, आपको किस वजह से ये एक्शन जो लिया जा रहा है वो सही नहीं लगा? हो सकता है सरकारी जगह हो इसलिए बना तोड़वा रहे हो। हाँ इसलिए तोड़वाया जाएगा क्योंकि सरकारी जगह पर लोगों ने बनाया हुआ है, इस वजह से तोड़वा रहे हैं। तो आपको सही क्यों नहीं लगा, इस वजह से कि आप रह रहे हैं यहाँ पर इतने टाइम से, और आप कहाँ जाएंगे, इस वजह से आपको सही नहीं लग रहा? हाँ इसी वजह से नहीं सही लग रहा। इसी वजह से नहीं लगा सही? हाँ इसी वजह से सही नहीं लगा। अच्छा कितने टाइम से यहाँ पे रहते हैं आप? हो गए मुझे 10 साल। 10 साल से आप यहीं पे रहते हैं? यहीं रह रही हूँ। काम क्या करते हैं? यही काम कर रही हूँ। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? कुछ भी ना करते हैं, वो तो यही कर रही हूँ मैं दुकानदारी बस। आप ही करते हैं ये? हाँ बस। आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते, यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा और कुछ नहीं करते? आप ये काम करते हैं, खाट बुनते हैं आप? हाँ। ये खाट बुनकर फिर बेचते हैं इसको? हाँ खाट बुनकर ही बेचती हूँ। आप खुद ही बुनते हैं ये? अपने हाथ से बुनती हूँ। ये आपने बुनी हुई है? हाँ। ले जाता है कोई? हाँ बिक जाती है मेरी खाट, 500 की 400 की बिक जाती है। कभी सोचा नहीं कि एक घर ले छोटा सा वहाँ पर हम रहे आसानी से? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपको रहने में तकलीफ होती होगी बहुत ज़्यादा। तकलीफ तो होती है भाई, पैसे नहीं है क्या करें, गरीब भाई है, कर रहे हैं ले दे के खर्चा चला रहे हैं घर का, क्या करें, खर्चा चल जाता है, मुश्किल ही चलता है, ऐसा ही चलता है, किसी पर ले दे के कर लेते हैं गुजारा। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? हाँ बच्चे मेरे पे हैं 5। 5 बच्चे हैं? हाँ। सभी यहीं पे रहते हैं? सभी एक ही खाट डली हुई है, ये तो छोटा सा ही बनाया हुआ है, बारिश आ जाती होगी, देखिए ये ऊपर से फटा भी हुआ है, ये दिखाइए कैमरामैन पर्सन, यहाँ से ऊपर से फटा भी हुआ है, और देखिए इन्होंने एक टेम्परेली काम किया हुआ है ये जहाँ पर ये रह रही है ना। और आपके 5 बच्चे हैं? हाँ। मियाँ बीबी है आप? हाँ। तो कैसे कितना कैसे एडजस्ट करते हैं आप ये सब? कर लेते हैं ऐसे ही, क्या करें। हस्बैंड आपके काम नहीं करते? कुछ काम नहीं करते, यही करते जो भी काम है, यही आपके साथ करा लेते हैं मिलके? हाँ यही मिलके करा लेते हैं बस। वो भी भरते हैं खाट या आप ही भरते हैं सिर्फ? मैं ही भरती हूँ खाली, उन्हें नहीं आता बनना, उन्हें नहीं आता। हाँ मैं ही भरती हूँ। 10 साल से रह रहे हैं सबाना, इन्होंने नाम बताया अपना, 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इनके 5 बच्चे हैं और यहीं पे रहती है। देखिए एक छोटा सा ही है ये, एक तरपाल ही डाली हुई है इन्होंने, पन्नी है, तरपाल भी नहीं मैं कह सकती, देखिए पन्नी है ये, सिर्फ यही डाली हुई है। 5 लड़कियां, खर्चा कैसे भरूं? 5 लड़की आपकी? हाँ लड़की है मुझे 5, क्या करूं, करना पड़ेगा मुझे तो खाने पीने का इंतजाम।
शादी को कितने साल हो गए आपकी? मेरी शादी को लगभग हो गए 25-30 साल हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले तो मैं गांव में रहती थी। अच्छा, गांव कौन सा? यह है अलीगढ़। अलीगढ़ में रहते थे, तो अलीगढ़ से आप यहाँ पे आए हैं। 10 साल आपको आए हो गए यहाँ पे, यहीं पे रहते हैं 10 साल से? यहीं रहती हूँ 10 साल से। तो अलीगढ़ से क्यों आए आप? कोई आमदनी नहीं है, कोई कमाई नहीं है, क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं? जमीन ना, जायदाद नहीं, कुछ नहीं है, क्या खिलाएं वहाँ पर? अलीगढ़ में खुद का था आपका? हाँ, खुद का था। तो फिर छोड़ के क्यों आए वहाँ से? खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कमाने खाने को लेकर आए। वहाँ पे काम नहीं होता था? हाँ, काम नहीं है, रोजगार नहीं है कुछ भी। यहाँ होता है? हाँ, ऐसा है, बच्चे का पेट तो भर ही लेते हैं, पाल रहे हैं बच्चों को, टाइम पास हो रहा है। जो टाइम पास हो रहा है। हाँ। चलिए, देखिए सवाना जी से बात की हमने। क्या नाम है जी आपका? आना। आना नाम है आपका, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये बनाया हुआ है आपने? हाँ, एक बात सुनी है आपने? मैंने भैया भी कुछ नहीं, बुलडोजर चलने की बात हो रही है कि जो जहाँ पे भी सरकारी जमीन पर जिन्होंने घर बनाए हुए हैं वो टूटेंगे, उन पे बुलडोजर चलेगा? ना, मुझे मैंने अभी कोई बात नहीं सुनी। अभी नहीं सुनी? क्या लगता है, जो ये फैसला लिया गया जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्या सही फैसला है ये सरकार का? मुझे तो पता नहीं भैया, मैं तो अब आई 5-6-7 साल है भैया, मुझे आए 6-7 साल से यहीं पर रहते हैं, रह रहे हैं, झुग्गी बना रहे हैं, काम धंधा है ही नहीं कोई, और आती हैं तो खाट फाटे बुन लेते हैं। और अच्छा, आप भी खाट बुनते हैं? हाँ जी। ये आपकी जान पहचान के? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप खाना बनाते हैं? हाँ जी, ये चूल्हा भी बनाया हुआ है आपने यहाँ पे? अच्छा, यहीं पे बनाते हैं, खाते हैं, और ये छोटा सा इन्होंने घर भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपना सोते हैं आराम से? सही से हो रही है जिंदगी बसर? काम धंधा ही नहीं है तो जिंदगी कहाँ से होगी? सही, सारा काम धंधे की बात होती है, काम धंधा होगा जब ही तो काम धंधा आदमी गुजारा करेगा। घर पे कोई काम नहीं करता? कोई काम नहीं करता है, कोई है ही नहीं। आप अकेले करते हैं? आप बुनते हैं खाट? खाट हम बुनते हैं। और घर पे आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, बड़े बड़े हो गए होंगे शायद? नहीं, बच्चा एक छोटा सा ही है। एक ही लड़का आपका? और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते? वो करते कहाँ है, तबीयत ही सही नहीं रहती है उनकी। अच्छा, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। आप अकेले करते हैं, खाट बुनते हैं और अपना खाना पीने का खर्चा निकालते हैं? हाँ, गुजारा करते हैं हम भी। अभी सरकारी जमीन पर जिन्होंने घर बनाए हुए हैं वो टूटेंगे, उन पे बुलडोजर चलेगा? ना, मुझे मैंने अभी कोई बात नहीं सुनी। अभी नहीं सुनी? क्या लगता है, जो ये फैसला लिया गया जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, क्या सही फैसला है ये सरकार का? मुझे तो पता नहीं भैया, मैं तो अब आई 5-6-7 साल है भैया, मुझे आए 6-7 साल से यहीं पर रहते हैं, रह रहे हैं, झुग्गी बना रहे हैं, काम धंधा है ही नहीं कोई, और आती हैं तो खाट फाटे बुन लेते हैं। और आप भी खाट बुनते हैं? हाँ जी। ये आपकी जान पहचान के? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप खाना बनाते हैं? हाँ, ये चूल्हा भी बनाया हुआ है आपने यहाँ पे? अच्छा, यहीं पे बनाते हैं, खाते हैं, और ये छोटा सा इन्होंने घर भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपना सोते हैं आराम से? सही से हो रही है जिंदगी बसर? काम धंधा ही नहीं है तो जिंदगी कहाँ से होगी? सही, सारा काम धंधे की बात होती है, काम धंधा होगा जब ही तो काम धंधा आदमी गुजारा करेगा। घर पे कोई काम नहीं करता? कोई काम नहीं करता है, कोई है ही नहीं। आप अकेले करते हैं? आप बुनते हैं खाट? खाट हम बुनते हैं। और घर पे आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, बड़े बड़े हो गए होंगे शायद? नहीं, बच्चा एक छोटा सा ही है। एक ही लड़का आपका? और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते? वो करते कहाँ है, तबीयत ही सही नहीं रहती है उनकी। अच्छा, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। आप अकेले करते हैं, खाट बुनते हैं और अपना खाना पीने का खर्चा निकालते हैं? हाँ, गुजारा करते हैं हम भी।